हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों। तो आज हम आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तो चलिए बढ़ते सेशन की तरफ दोस्तों। पहला आर्टिकल है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल नंबर 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। आर्टिकल नंबर 4 है पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची संशोधन तथा 2 और 3 में बनाई गई नई विधियां। आर्टिकल 5 है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। आर्टिकल नंबर 6 है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। आर्टिकल नंबर 7 है पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। आर्टिकल नंबर 8 है भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। आर्टिकल नंबर 9 है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। आर्टिकल नंबर 10 है नागरिकता के अधिकार का बना रहना। 11 है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। 12 है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल नंबर 13 है मूल अधिकारों का असंगत या अल्पीकरण करने की विधियां। आर्टिकल नंबर 14 है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल नंबर 15 है धर्म जाति लिंग व भेद का प्रतिषेध। आर्टिकल नंबर 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल नंबर 17 है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल नंबर 18 है उपाधियों का अंत। आर्टिकल नंबर 19 है वाक की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 20 है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल नंबर 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 का है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। 23 है मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम। 24 है कारखानों में बालक का नियोजन एवं प्रतिशत। 25 है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। 26 है धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 32 है अधिकारों का परिवर्तन कराने के लिए उपचार। 36 में परिभाषा राज्य की नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा दी गई 36 में। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। 48 में कृषि एवं पशुपालन। 49 का में पर्यावरण तथा वन्य जीवों की रक्षा। 49 में राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 51 का है मूल कर्तव्य। 52 है भारत का राष्ट्रपति। 53 है संघ कार्यपालिका शक्ति। 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 56 है राष्ट्रपति की पदावधि। 57 है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। 60 है राष्ट्रपति की शपथ। 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। 62 है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति के भरने के लिए निर्वाचन का समय और रिक्तियां। अगला 63 है भारत का उपराष्ट्रपति। 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 65 है राष्ट्रपति के पद पर रिक्त उपराष्ट्रपति के कार्य। 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 है उपराष्ट्रपति का पदावधि। और 68 है उपराष्ट्रपति के पद पर रिक्त भरने के लिए निर्वाचन। 69 है उपराष्ट्रपति का शपथ। और 70 है अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। 71 है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। 72 क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। 73 है संघ की कार्यपालिका का शक्ति का भी। 74 है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 75 है मंत्रियों के बारे में उपबंध। 76 है भारत का महान्यायवादी। 77 है भारत सरकार के कार्य का संचालन। 78 है राष्ट्रपति की जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। संसद का गठन। 80 है राज्यसभा की संरचना। 81 है लोकसभा का संरचना। 83 है संसद के दोनों
83 संसद के दोनों सदनों की अवधि, 84 संसद के सदस्यों के लिए हड़ताल, 85 संसद का सत्रावसान व विघटन, अनुच्छेद 87 है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 88 है सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार, अनुच्छेद 89 है राज्यसभा सभापति उपसभापति, अनुच्छेद 90 है उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना, अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति, अनुच्छेद 92 सभापति उपसभापति के पद को हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो या उसका पीठासीन न होना, अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, 95 अध्यक्ष के कर्तव्य शक्तियाँ, 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद पर हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना, अनुच्छेद 97 सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय, अनुच्छेद 99 संसद द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 100 संसाधनों में मतदान रीतियाँ के होते हुए सदनों के कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति।